इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती आशा रानी जैन एवं स्वर्गीय सिंघई विनय जैन जी मिर्जापुर वालों की स्मृति में सिंघई सेठ ताराचंद जी जैन मिर्जापुर वाले, पुत्र सिंघई विमल जैन बैंगलोर, सिंघई बिपिन श्रीमती सौम्या जैन लखनऊ, सिंघई वंदना विनय जैन कटनी, बेटी दामाद श्री शैलेश श्रीमती विनीता लश्करे नागपुर, श्री राजेश श्रीमती बबीता जैन देहरादून, पौत्र व पौत्र वधु श्री सचिन श्रीमती नेहा अथर्व जैन गुड़गांव, सिंघई वरुण श्रीमती रायसा वेद जैन बैंगलोर, सिंघई विपुल जैन कटनी, कुमारी वैशाली जैन अहमदाबाद, अरविंद कुमार लाटोरी लाल जैन, रश्मि अरविंद जैन, अंश अरविंद जैन, अर्जाव अरविंद जैन, भुसावल महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा के अवसर पर 1-7 दिसंबर 2022 के मध्य श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नन्ही देवरी सागर मध्य प्रदेश में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज, एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में किया गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 6 एवं 7 दिसंबर को आयोजित ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक के पावन दृश्य। श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा पर 1-7 दिसंबर 2022 के मध्य श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नन्ही देवरी में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज, एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में देवरी नाहर मऊ नन्ही देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के ज्ञान कल्याणक के दिवस में कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु के अभिषेक शांति धारा के साथ हुआ। नमोते भगवते श्रीमते पवित्रकलविकामि सा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम रीम नमो रियंताण नमो सिद्धानम नमो आर्याण नमो जान नमो लेशभिशावणम चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडतु धम्म मंगलम चत्तारि लोगोत्मा अरंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली पंडतु धम्म लोगोत्मा चत्तारि शरण पवजामी अरंते शरण पवजामी सिद्धे शरण पवजामी साहु शरण पवजामी केवली पंडतम धम्म शरण पवजामी। ओम रीम अनादि मूल मंत्रि भू नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। इसके उपरांत विधान की मंगल क्रियाएं भक्ति भाव से की गईं। भक्त नृत्य करते आनंद मनाते हुए यहां दिखाई दिए। जिन धर्म जिन आगम जिन चेतमो नमः अत्र अवतरावतार संभाषण दिया वायनम जिन धर्म जिन आगम जिन चेतमो नमः जन्म जरा तुनाशनाय जलम द्र पामते स्वाहा। शिष्टाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेतमो नमः अक्षत प्राप्त अक्षतम द्र पामते स्वाहा। ओम ब्रीम शर शिष्टाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेतमो नमः कामाड वृद्ध सुनाय पुष्पम द्र पामते स्वाहा। ओम ब्रीम शर शिष्टाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेतमो नमः अष्टय गणाय रूपम द्र पामते स्वाहा। आगे इस क्रम में पूजन अर्चन करते हुए भक्ति भाव से सभी इंद्र इंद्राणियों ने अर्घ्य समर्पित किए। ओम श्री श्री मंदर मंदर आदि श्री विद्वान विष्णुकर विनवा अनुपाप्ताय अर्घ्यम द्रपान्ते स्वाहा। ओम रेम तत्कल प्राप्त श्री विश्वादि वीरान महावीर परंत चतुर्विंशति तीर्थंकर
समूह अत तिष्ठित ठाठे स्थापना चोरी नजारी सुसमय बरते होना दुष्काल मारी सारे ही देश धारे दिन भर बिस्को जसदा शौक्यकारी। अब प्रभु जी की आहार चर्या की बेला आ चुकी थी, जिसके लिए सभी नियम संयम का पालन करते हुए भक्तों ने प्रभु को आहार निवेदित किया। चलते फिरते भगवन जैसे आए मेरे द्वार, चंदन ने महावीर को जैसे दिया। अब श्रद्धा पूर्वक प्रभु को उच्चासन पर विराजमान किया गया। यहाँ प्रभु की आहार चर्या श्रावक श्राविकाओं द्वारा की गई। तीर्थंकर महावीर महामुनि को क्रमानुसार भक्त आहार दान देकर स्वयं को धन्य कर रहे थे। गुरुवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। जन्म का पुण्य फला मुनि ने चरण बढ़ाया है। जन्म का पुण्य फला गुरु ने चरण बढ़ाया है। गुरुवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। आहार चर्या के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से प्रभु जी की आरती कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इसी बीच मंगल ध्वनि के साथ भव्य समवशरण की रचना हुई, जिसमें चतुर्मुखी तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना का समय निकट आ पहुंचा। समवशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। अरे समवशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। ओ चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे न्यारे न्यारे रे। समवशरण की महिमा कितनी प्यारी लागे रे। इसके उपरांत भव्य समवशरण के मध्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज ससंग विराजमान होते हैं। इस सभा में देव, मनुष्य एवं समस्त गतियों के जीव जैसे सांप, नेवला, सिंह, बैल सभी आपसी बैर भाव भूलकर प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने हेतु उपस्थित होते हैं। चलो चलिए, चलो चलिए, समवशरण में चलो चलिए। समवशरण की रचना देखने देव देवी आई है, देवी आई रे, आई रे देवी आई रे। भी आए, सब आ रहे हैं एक साथ, मित्र बता रहे हैं, बैर भाव को भूल करके आ रहे हैं। झूम 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 नाच मयूरी, आपस में बैर भाव भूल गए,
चूहा और बिल्ली भी, सर्प और नेवला भी आपस में बैर भाव भूल जाते। इस कार्यक्रम के दौरान ही गुरुदेव को शास्त्र भेंट करने का अवसर कुछ सौभाग्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। बोल कर मीठी वाणी बोल कर बोली को आगे बढ़ा, इसी श्रृंखला में गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान अत्यंत आदर भाव के साथ किया गया। तदोपरांत गणधर के रूप में विराजमान गुरुदेव के मुखारबिंद से दिव्य देशना का रसास्वादन कर एवं अनेक शंकाओं का समाधान प्राप्त कर भक्त धन्य हुए। जो सम्राट होता है, राजा होता है, वो सभी का होता है, सभी समुदाय का होता है, वो संरक्षक होता है, वह देशवासियों के लिए प्रजापाल होता है। उस पद के पहले वह किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब राजगद्दी पर बैठता है तो फिर वो सबका हो जाता है। जनप्रतिनिधियों को भी यही चाहिए कि अगर वह जनप्रतिनिधित्व कर रहा है तो घर परिवार और पार्टी की विचारधारा में भले ही किसी तरह का हो, लेकिन जब जन सेवा के लिए उतरे तो चेहरा देख करके सेवा ना करे, जन सेवा में जन जन की सेवा करे। यही हमारे गुरुवर संदेशा देते हैं। इसके उपरांत भव्य महाआरती के लिए गज पर विराजित होकर आरती करता परिवार का आगमन होता है। भव्य समव शरण की महाआरती कर भक्तों ने आरोग्यता एवं दीर्घायु होने के साथ सुख समृद्धि एवं विश्व शांति की कामना की। इस अवसर पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ये उत्सव महा उत्सव में परिवर्तित हो चुका था। भक्तों के पग नृत्य करते हुए थक नहीं रहे थे। इस उत्सवमय आयोजन के पश्चात नाटक मंचन के माध्यम से भक्तों को प्रेरणापद संदेश भी दिया गया। संत शिरोमणि आचार्य श्री उन्हें दया देकर आश्रय देते हैं। एक नहीं, हजारों गौशालाएं भारत में खुलवाकर गौ माता की रक्षा की है। और आप कहते हैं गौ की बलि? ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं महाराज, गाय की बलि ना सही तो कोई बात नहीं महाराज, कम से कम बकरे की तो बलि चढ़ाएंगे, ये भी चलेगा राजन। क्यों? छोटा है इसलिए, अरे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भगवान महावीर का संदेश है जियो और। अरे मुझे बताइए, आज तक किसी ने कहीं खबर सुनी किसी बकरे और बकरी ने किसी के प्राण हर लिए हो? नहीं। बकरी पात खात है, ताई के खींचे खाल,
बकरी पात खात है ताही के खींचे खाल, अरे जो बकरी को खात है ताको का होगो हाल। इसके साथ ही ज्ञान कल्याणक के दिवस के कार्यक्रम का समापन हुआ। बस ये राज्य संभालो, अब मैं परम पूज्य समता के धनी उनके चरणों में जाकर अपना आत्म कल्याण करूंगा। आइए अब आपको दिखाते हैं नन्ही देवरी में 7 दिसंबर 2022 को आयोजित किए गए मोक्ष कल्याणक के पुनीत पावन दृश्य। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु जी के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। फीम 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 अरहम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम 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 दम दम दीम दीम दवे दवे नोते भगवते सीमते पवितल जलना जिन विचामिति सा सर्व दोष मारीम मारुण चाटन महान विद्वेषण वशीकरणादि दोषान चक्र विक्रम सत्यज्वल सौरीवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम जय कुरु कुरु सर्वराजन सर्वग्राम नगर खेटकर वैमठम संगनंदन यशकम त्रिशूलोकेशु व्याधि व्यसन वर्जितम अभियम चेम आरोग्यम स्वस्ति जस्तु विदिते। मोक्ष पद प्राप्ति के दृश्यों को प्रस्तुत किया गया जिसमें कैलाश पर्वत पर सौधर्म इंद्र प्रभु को ना पाकर उन्हें तलाशते हैं, लेकिन प्रभु का शरीर कर्पूर की भांति लुप्त हो चुका होता है और वहां दिव्य दीप प्रज्वलित हो उठता है। ये प्रसंग देख भक्त द्रवित हो उठे। ओम रीम अरहम अनाथ विद्याय नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अजर नमो लोये सब सम समय दस ज्ञान जारी तबे सब देश नमः स्वाहा। हाई जिनो पण मामी सया अमलो वीर जो वर कप तरु सह काम दुआ मम रख सया पुरुवी जुड़ुई पुरुवी जुड़ुई। ओम 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 रम 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 रम, रम स्वाहा। इसी प्रकार प्रथम शुक्ल ध्यान की प्राप्ति के बाद द्वितीय शुक्ल ध्यान में रत प्रभु को अर्घ समर्पित किए गए। तीर्थे स्वरास्यांत महोत्सवेयम भक्त्यानताग्रीन किरीट जातम अनर्तुरीन्द्र सकलास्तमेना यजे जलाद्यारे गार्यपत्यम। ओम गार्यपत प्रणति अप्रणीताग्नि अंग संस्काराय तीर्थंग परम देवाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हम अर्हंतीदं शांतिधारं गृहीतं गृहीतं अरहम नमो भद्रम भवतु जगतां शांतिधारं निपातयामि शांति कृतभ्यः स्वाहा। चलो मेरे आत्म प्रदेश अजीबो से धोखा देश जहां तुम चले गए हमें लगे यहां परदेश और वो से धोखा देश जहां तुम चले गए जहां तुम चले गए। चौथे शुक्ल ध्यान के समय प्रभु को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और वे सोदर्म इंद्र अग्नि कुमार के देवों के साथ पुनः प्रभु को नमस्कार करते हैं, उस छिद्र छेद की वंदना करते हैं बैठ करके वीरासन से और उस अपनी पावन भस्म को अपने मस्तक पर कंठ में हृदय में और भुजाओं में धारण करते हैं। वंदु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार अंग लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार। इसके पश्चात ससंग साधु जनों के अमृत वचनों को श्रवण करके भक्तों ने अपना जीवन धन्य किया। जैन दर्शन कभी भी मूर्ति की पूजन नहीं करता, जैन दर्शन तो मूर्तिमान की पूजन करता है। आप लोगों ने तो हम लोगों को पाषाण दिया था लेकिन आज के दिन आप लोगों के लिए भगवान लौटाया जाएगा, ये भगवान का स्वरूप आपके लिए है। व्यक्ति मूर्ति देता है लेकिन मुनिराज के द्वारा प्रतिष्ठित होकर मंत्रों के द्वारा
वो प्रतिष्ठित करके भगवान बनाया जाता है। इसलिए भगवान किसी का नहीं होता, ये भगवान हमारे लिए साक्षात जिनेन्द्र भगवान है, साक्षात जिनेन्द्र भगवान है। इसलिए हमारे लिए पूछ समझना है कि ये मूर्ति को नहीं समझना, ये जिनेन्द्र भगवान है। ये जिनेन्द्र भगवान हमारे लिए महान अतिशयकारी हैं। आज इस प्रतिमा की, जिस दिन तुमने ये पत्थर दिया था उस दिन इस पत्थर की एनर्जी अलग थी, और आज इस प्रतिमा की एनर्जी आप देखोगे तो अनंत गुणा एनर्जी हो गई है, जिससे आपके जीवों का कल्याण होने वाला है। इसके उपरांत भक्त जनों ने विधान मंडल के समक्ष पहुंचकर अर्घ समर्पित किए। तदुपरांत सभी इंद्र इंद्राणियों ने समस्त विश्व शांति महायज्ञ करते हुए विश्व के प्राणियों के कल्याण के निमित्त दिव्य मंत्रों के साथ हवन कुंड में आहुतियां प्रदान की। परम कांचिदाय नमः, परम विज्ञाय नमः, परम विज्ञानाय नमः। ओम श्री मरमस्य औषधम सब शांतिम कुरु कुरु। ओम श्री मरमस्य औषधम सब शांतिम कुरु कुरु। ओम श्री मरमस्य औषधम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम श्री मरमस्य औषधम सर्व शांतिम कुरु कुरु। सभी भक्त जन परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भारी संख्या में प्रभु नाम के जयकारे लगाते हुए भगवान को मंदिर जी में विराजित करने के लिए मंदिर जी पहुंचे। प्रभु जी को विराजित कर कलशाभिषेक करते हुए संपूर्ण विधि के साथ पूजन किया गया। साथ ही मंदिर जी के शिखर पर श्रद्धा भाव से कलशारोहण किया गया। ओम ह्रीम किमलम यो वरम नमो तस्य पिपिनम एकादशम कलशाभिषेकम करोमि अहम्। ओम ह्रीम अनंत सिद्धाचार सर्वशांति नमः अगरभवति। सात दिसंबर को सभी भक्तों के लिए गजरथ फेरी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें ढोल नगाड़ों की मंगल ध्वनि के साथ तीन रथों के द्वारा सात फेरियां निकाली गईं। धर्म ध्वजा लहराते उत्साह भाव के साथ सभी भक्त यहां सम्मिलित दिखाई दिए।
आगे इसी क्रम में मंच पर गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान करतल ध्वनि के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान गुरुवर के कर कमलों से भक्तों ने कलश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अब एक बार पुनः प्रभु जी की अभिषेक के साथ हुआ। इसके उपरांत एक बार पुनः स्वागत सम्मान क्रम यहां निरंतर जारी रहा। सभी के नामों की घोषणा मंच से की गई। रोजना पवनजन गौर झामर महामंडलेश्वर अच्युतेंद्र सविता अनिल जैन सागर में अरुण घुर्गा पंचायत कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में समा इसने लता संतोष जी का परिवार मोकल अवधेश जैन बिमल झिरिया आदि संगई परिवार की लोहारी से भी आई हुई प्रतिमाएं हैं। यहाँ उन लोहारी कृष्ण जी ने एक संभवनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित की है। इसी के साथ में पवन जैन एनडी परिवार इस भव्य पंच कल्याण की समापन बेला में ससंघ साधु जनों ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, मैं तो यही मानता हूँ कि पंचम काल में भले अवधि ज्ञानी न हो लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव का अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से भी कम नहीं है। उनने अपने ज्ञान से पहले ही जान लिया था कि इस नन्नी देवरी का पंचकणक अंतर्राष्ट्रीय पंचकणक होगा। वो वाकई में अंतर्राष्ट्रीय पंचकणक हुआ। यहाँ पर आसपास की समाजों ने बहुत ही सहयोग के साथ में बहुत ही यहाँ के कार्यकर्ता आसपास गौरजावर बेगमगंज चढ़ा केसली सिलवानी यहाँ के सारे नवयुवक मंडल यहाँ की सारी समाज ने जो सहयोग दिया इस सहयोग से पंचकर्णक बहुत ही सानंद संपन्न। आगे इसी श्रृंखला में गुरुवर की ओजस्वी वाणी में दिव्य अमृत वचनों की ज्ञान गंगा से अभिभूत होने का अवसर भक्त जनों को प्राप्त हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने भाव व्यक्त करते हुए कहा, देश के जिला सागर की धर्म नगरी नन्नी देवरी ग्राम में बहुत बड़े रूप में पंच कल्याण गजरत महोत्सव सानंद संपन्न हो गया। परम प्रसन्नता की बात यह रही कि जैन समुदाय से भी ज्यादा अजैन समुदाय की उपस्थिति रही। सभी ने अत्यधिक श्रद्धा से धर्म के तत्व को सुना समझा स्वीकारा और व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए शराब नॉनवेज और अन्य अन्य बुराइयों का संकल्प पूर्वक त्याग किया। हमारे गजरत महोत्सव की
जनहित के रूप में ये सबसे बड़ी सफलता है। मुख्य प्रतिमा के साथ ही सभी तीर्थंकरों के अभिषेक व पूजन अर्चन के पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। साथ ही गुरुदेव का पावन आशीर्वाद भक्तों ने मंदिर के शिखर के समीप प्राप्त किया। इस प्रकार नन्ही देवरी में आयोजित इस भव्य पंच कल्याणक में प्रभु की अनंत कृपा के साथ ही गुरुवर का सानिध्य प्राप्त कर भक्तों का जीवन कृतार्थ हुआ। दर्शकों, मध्य प्रदेश की पावन धरा नन्ही देवरी में आयोजित किए गए पंच कल्याणक के ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की झलकियां आज हमने आपको दिखाई। अब आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे भी ऐसे ही किसी धार्मिक आयोजन की झलकियों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती आशा रानी जैन एवं स्वर्गीय सिंघई विनय जैन जी मिर्जापुर वालों की स्मृति में सिंघई सेठ ताराचंद जी जैन मिर्जापुर वाले, पुत्र सिंघई विमल जैन बैंगलोर, सिंघई बिपिन श्रीमती सौम्या जैन लखनऊ, सिंघई वंदना विनय जैन कटनी, बेटी दामाद श्री शैलेश श्रीमती विनीता लश्करे नागपुर, श्री राजेश श्रीमती बबीता जैन देहरादून, पौत्र व पौत्र वधु श्री सचिन श्रीमती नेहा अथर्व जैन गुड़गांव, सिंघई वरुण श्रीमती रायसा वेद जैन बैंगलोर, सिंघई विपुल जैन कटनी, कुमारी वैशाली जैन अहमदाबाद, अरविंद कुमार लाटोरी लाल जैन, रश्मि अरविंद जैन, अंश अरविंद जैन, अर्जाव अरविंद जैन, भुसावल महाराष्ट्र।